पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसमें आप देखेंगे कि जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होती है तो किस तरीके से एडजस्टमेंट करी जाएगी वो हमने सीखना है। देखिए आपके पास एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटी साइड पे कुछ रिजर्व दे रखे, जैसे जनरल रिजर्व दे रखा मान लीजिए 30,000, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी, तो क्रेडिट बैलेंस आपके पास यहीं का आएगा 60,000 का, और आपके पास कंटिंजेंसी रिजर्व दे रखा है मान लीजिए 75,000, ठीक है, और आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है मान लीजिए आपके पास दे रखा है 12,000, और भी कई चीजें दे रखी है, पी एंड एल डेबिट बैलेंस भी आ जाता है आपके एसेट साइड पे, आपके पास पी एंड एल डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटी साइड पे आपके पास पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस होता है। पी एंड एल डेबिट बैलेंस आपके पास दे रखा है मान लीजिए 15,000 का, ठीक है, और गुडविल दे रखी है जो ऑलरेडी अपीयर है वो मान लीजिए 3,000, ठीक है। अब आपके पास लायबिलिटी साइड है और एसेट साइड है, क्वेश्चन कह रहा है एबीसी पार्टनर है, रेशियो है इनकी 1:1:1, फ्यूचर में इनकी रेशियो चेंज हो जाएगी तो रेशियो कितनी हो जाएगी मान लीजिए 3:2:1, ठीक है। अब आपको एडजस्टमेंट करनी है कि ये चाहते हैं पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड देयर लॉसेस, पार्टनर चाहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट वो बांटना चाहते हैं। अगर ये लाइन लिखी आती है एग्जाम में वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो आप हमेशा लायबिलिटी की चीजों और एसेट की चीजों को जो भी हमारे पास दे रखा है उनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटना, क्योंकि ये ऑलरेडी अपीयर है पहले से बैलेंस शीट किसी भी डेट पे बनी हुई है मान लीजिए एज ऑन 31 मार्च 2018 कोई बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जो आपके पास बना हुआ है, तो ये पार्टनर ने पहले कमाई है और ये पहले की वैल्यू में ही बटेगी, पहले की रेशो में ही बटेगी। तो जनरल रिजर्व पी एंड एल कंटिजेंसी रिजर्व लायबिलिटी साइड बैलेंस शो करती है क्रेडिट, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो हम सारी चीजों को जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किसमें बांट देंगे, पार्ट में 2A 2B 2C, कौन से ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, 30,000 है तो आपके पास कितना कितना बढ़ जाएगा 10,000 और 10,000, ठीक है। जब भी आपको खत्म करेंगे क्रेडिट साइड को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा डेबिट और ओल्ड पार्टनर में आप पार्टनर, सेम तरीके से पी एंड एल दे रखा है पी एंड एल को भी खत्म कर देंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C, तीनों पार्टनर बढ़ जाएगा कितना रुपीज 60,000 रुपीज बढ़ जाएगा आपके पास, तो 20 20 20 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से कंटिजेंसी रिजर्व बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर रेशियो में डेबिट हो जाएगा 2A 2B 2C, बैलेंस शीट एसेट साइड पे अगर आपके पास एक्युमुलेटेड लॉसेस दे रखे हैं एसेट साइड शो करती है डेबिट बैलेंस, डेबिट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा, तो आप क्रेडिट कर लेंगे और पार्टनर क्या हो जाएंगे डेबिट, ए डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, आपके पास वैल्यू दे रखी है 12,000 की तो आपके पास ये बढ़ जाएगा 4,000 और 4,000, अगर प्रॉफिट इनके बीच में बढ़े हैं तो लॉसेज भी इनके पास ही जाएंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो इन्होंने ही कमाया था, कोई बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर की दे रखी है आपके पास और ओल्ड रेशियो में इनकी बैलेंस शीट थी इसके ही ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। सेम तरीके से ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट 2 पी एंड एल भी बढ़ जाएगा और 2 गुडविल भी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपके पास टोटल कर दीजिए या अलग अलग बांट दीजिए, मान लीजिए खाली पी एंड एल बांटना है आपको तो पी एंड एल की वैल्यू कितनी है 15,000 जो भी ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा आप इसको बांट देंगे, ठीक है। सेम तरीके से गुडविल है 3,000 की गुडविल बढ़ जाएगी 2 गुडविल करके, गुडविल की वैल्यू कितनी है 3,000 है तो 3,000 कितना बढ़ जाएगा 1,000 1,000 1,000, इट मीन जो भी आपके पास रिजर्व है अगर पार्टनर ओन टू डिस्ट्रीब्यूट चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना तो आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। सेम तरीके से एसेट साइड की चीज खत्म होने के लिए क्या होगी क्रेडिट हो जाएगी, लायबिलिटी साइड की चीज खत्म होकर डेबिट हो जाएगी।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर पार्टनर नहीं चाहते, डू नॉट वॉन्ट है, तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। थैंक यू।